स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो हम चलते हैं मास परसेंटेज की तरफ। हम किसी का मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं और मास परसेंटेज बेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं WW। इस WW का मीन्स होता है, इस WW का मीन्स होता है कि दोनों चीजों के वेट ग्राम में गिवन है। किस में गिवन है? ग्राम। ओके, अब हमें जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास तो हम ऊपर रख लेंगे, जैसे मास ऑफ ए अगर उसमें दो एलिमेंट, और नीचे लिख देंगे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, या फिर ये टोटल फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमने परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर। ओके, तो हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब यहां देखना, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं 10% WW ग्लूकोज। इस लाइन का मीन्स है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट। ओके, ये हमारा है मास परसेंटेज। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड। नॉर्मली वॉल्यूम परसेंटेज बहुत ही कम यूज होता है। वॉल्यूम परसेंट में दोनों का वॉल्यूम ml में गिवन हो, दोनों का वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो ऊपर आ जाएगा सर। सॉल्यूट को ए लेंगे। एक मिनट, आपको जिसका, हाँ, सॉल्यूट को ए मान लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। बाकी आपको दोनों का निकाल सकते हो। अभी हम करके बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में दोनों हो जाएंगे ए प्लस बी, और अगर एक तीसरा सब्सटेंस भी है तो वो भी नीचे ही आएगा। ओके, अगर ए बी सी तीन है टोटल, तो यहां पर टोटल वेट में ए प्लस बी प्लस सी जो भी होंगे सब आ जाएंगे। अब हमारा थर्ड आया, जो थर्ड है वो है वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंट, ये क्या है? डब्ल्यू और वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है एक का तो वेट ग्राम में दिया होगा और दूसरे का वॉल्यूम ml में दिया होगा। तो जब हम इसका मास परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा मास ऑफ ए या मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, और 100 से इंटो कर, ठीक है। तो हमारे 3 फॉर्मूले हैं। सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला ये मास परसेंटेज WW का है, ये मास पर वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ml का, और ये मास वॉल्यूम परसेंटेज का है। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो आप सब लोग ये फॉर्मूले कॉपी कर, मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कर। ओके, तो हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को हटा रहे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन नंबर वन H2
और नंबर टू Na2SO4, ठीक है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट H2। H2 का टोटल वेट सब जानते हैं 18 होगा, एक हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो दो हाइड्रोजन का 2 और 16 को मिलाया तो 18 होगा। अब हम सबसे पहले H का परसेंटेज निकालेंगे। जब हम H का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना, तो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वेट 2 है और टोटल वेट 18 है, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा। कोई बता सकता है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा? कोई बता सकता है? 11.1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 11.1%। अब ऑक्सीजन का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे तो इतना आएगा। ऊपर ऑक्सीजन का वेट, नीचे टोटल वेट, और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 89.9%, ठीक है ना। जबकि हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अगर क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो अगर हम 100 में से हाइड्रोजन के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 89.9 आ जाए। ओके, किसी को डाउट इस प्रॉब्लम में? अब हम चलते हैं Na2SO4 का मास परसेंटेज। आई थिंक ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कोई बता सकता है Na2SO4 का मोलर मास कितना होगा? जिसने भी निकाला है एकदम एक्यूरेट निकाला है। कितना है? 46, और नीचे रख दिया हमने 142, और 100 से इंटू किया, तो कोई बता सकता है इसका परसेंटेज कितना आएगा? कोई बच्चा डिवाइड? 32.39, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 32.39%। अब हम सल्फर का परसेंटेज निकालें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले बेटा। सर ऊपर ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.9 आएगा ना? ओ बिल्कुल सही। देखो भैया, एक बच्चे ने गलती बताई है माइनस करने की। देखो ऐसे भी डूब जाते हैं कभी कभी, और ऐसा नहीं कि तुम ही डूब जाते हो, हम भी डूब जाते हैं। तो देखो 142 ये सल्फर का परसेंटेज है। वेरी वेरी गुड बेटा। आप बताओ सल्फर का परसेंटेज कितना आएगा? 22.53। तो सल्फर का परसेंटेज आ जाएगा 22.53%। अब हमारे पास लास्ट बचा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दें, या फिर डायरेक्ट ही हम ऊपर ऑक्सीजन का वेट रख दें, नीचे टोटल वेट रख दें, और 100 से इंटू कर दें, तो ये करीब 45% के अप्रॉक्स है। देखो किसी को डाउट? कोई किसी को डाउट है भैया? हम आगे बढ़े बढ़े आगे। यस सर। यस सर। लिखो एक क्वेश्चन, हम और लिखते। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Calculate the percentage of carbon and hydrogen. When 0.5 gram organic compound in combustion give
0.3, ठीक है ना, 0.35 ग्राम CO2 एंड 0.0035 ग्राम H2O। अगर हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं और इतना H2O और इतना CO2 मिलता है, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? तो कोई है? कोई है जो ऐसा कर सके? तो देखो इसका परसेंटेज कैसे निकाले। ओके, हम जानते हैं हमारे पास CO2 में कार्बन है। अब बताओ CO2 में कार्बन कितना है? CO2 में कार्बन है 12 ग्राम, तो और CO2 का वेट होता है 44 ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम CO2 कंटेन, इसमें 12 ग्राम कार्बन है। किसी को इस बात में डाउट है? अब हमारे पास कितनी CO2 थी? कितनी CO2 थी? 0.35 ग्राम। तो 0.35 ग्राम CO2 कंटेन, ये हो जाएगा 12 × 0.35 डिवाइडेड बाय 44। कोई बता सकता है कितना कार्बन आएगा? ये आ जाएगा 0.095 ग्राम, ठीक है। अब इतना तो कार्बन है, ठीक है ना, और टोटल कंपाउंड का वेट कितना था? 0.5। टोटल कंपाउंड का कितना था? तो हमारा कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाय 0.5 × 100। कोई बता सकता है कितना आ जाएगा ये? सर 19। ये आ गया 19%। तो बाकी कौन हो जाएगा? बाकी हो जाएगा हाइड्रोजन। बाकी कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या यूनिटरी मेथड है। अब कुछ बच्चों को तो ये यूनिटरी मेथड समझ ही नहीं आएगा, वो बाद में भूल जाएगा। अब हमने क्या किया इस यूनिटरी मेथड, हाँ बोले बेटा। सर इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी तो होगा इसमें। हम ऑक्सीजन का जब अपन टोटल कंपाउंड लेंगे तो सिर्फ 19% कार्बन हुआ, तो बाकी सारा हाइड्रोजन हो जाएगा। हम हाइड्रोजन का परसेंटेज अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन भी होगा ना उसमें कंबाइंड। बिल्कुल, इसमें तो ऑक्सीजन भी होगा। तो अब देखना कार्बन का परसेंटेज हम डबल, एक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये 12 ग्राम किसका वेट है? कार्बन का। तो 12/44 समझ आ रहा है, ठीक है ना, इनटू वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनटू 100। अगर हम किसी का फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। इस वाले मेथड से क्वेश्चन करने के लिए हमको अकल की जरूरत पड़ती है कि किसमें कितने ग्राम CO2 है, कार्बन कितना है। पर अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि CO2 से कार्बन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखना हाइड्रोजन का फॉर्मूला भी लिखता हूँ। तो अगर हम हाइड्रोजन का फॉर्मूला और इसको हम H2O से निकाल रहे हैं, तो H2O में हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम। H2O में हाइड्रोजन कितनी है? 2 ग्राम। और H2O का वेट कितना? 80। इनटू ऊपर क्या आ जाएगा?
वेट ऑफ H2 और नीचे क्या आ जाएगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो देखो अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो हमें यूनिटरी के बजाय फॉर्मूले मेथड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. कम से कम उनको तो जरूर करना चाहिए जो थोड़े कमजोर है, जिनको लगता है कि मुझे कम आता है, ठीक है ना. वैसे तो ऐसा किसी को नहीं लगता, सबको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ. ओके, तो आप ये दो फॉर्मूले लिख लें. अब अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस H परसेंटेज और प्लस कार्बन परसेंटेज. पर ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही लगे. तो आप इस फॉर्मूले को नोटिस कर ले, लिख ले, ठीक है ना. ये हमारे एक लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन में यूज होता है, या फिर हमारे लास्ट सेकंड लास्ट बुक में जो सेकंड बुक का है वहां दिया हुआ है, पर इसका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है. इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा ये कार्बन का परसेंटेज बता दिया. ओके, चले आगे. तो हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, जिसको कई इंस्टीट्यूट एक एक महीने तक पढ़ा, एक एक महीने तक पढ़ा, ठीक है ना. और उसका नाम है मॉन्कंस. तो बच्चों देखो क्या होता है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू भी कर दी होंगी कहीं, ठीक है ना, और वो हमको मोल पढ़ा रहे होंगे. और मोल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, और कई बच्चे इसमें परेशान भी रहते हैं. तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन हार्ड है. अब हार्ड क्यों है, हार्ड इसलिए नहीं है कि ये टॉपिक हार्ड है, ये हार्ड इसलिए है कि पूरी बुक में एक साथ अप्लाइड होता है. तो हमारे रिकमेंडेशन ये है कि आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी हो, ठीक है ना, तो इसकी एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान ना दें शुरू में. एप्लीकेशन पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा, ठीक है ना. तो डिप्रेशन से बचने के लिए, ठीक है, डिप्रेशन से बचने के लिए आप इसकी एप्लीकेशन बाद में करें. तो मैं आपको मोल कंसेप्ट स्टार्टिंग से समझा. मोल क्या है, अब किसी सब्सटेंस में कितने एटम है ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है. तो इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस बनाया, और रेफरेंस किसको बनाया, कार्बन 12. और कार्बन 12 को ही क्यों बनाया, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है और अर्थ में मिलता है. और मास स्पेक्ट्रोग्राफ से इसका वेट निकाला कार्बन का 1.99 × 10^23 ग्राम. ओके, ये एक्सपेरिमेंटल निकाला. अब ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूं. ये वेट है कार्बन के एक एटम का, कितने एटम का, किसी को सुनाई दे रहा है? यस सर. तो ये वेट कितना है, 1 एटम का. ओके, तो हम देखते हैं 1.99 × 10^-23 ग्राम एक एटम के इक्वल. अब बताओ कार्बन का टोटल वेट कितना होता है, कार्बन का टोटल वेट होता है 12 ग्राम कार्बन कंटेन, 12 ग्राम कार्बन कंटेन एटम, 1 × 12 / 1.99 × 10^23 = 6.022. इतने एटम आ गए कार्बन. और लोगों ने क्या किया, इसी को एवोगाड्रो नंबर बताया. अब उन्होंने क्या किया, कार्बन के रेस्पेक्ट में निकालना शुरू किया.
कि जिसमें भी इतने एटम होंगे, जिसमें भी इतने एटम होंगे उसको हम वन मोल बोल देंगे, और ये क्वांटिटी एवोगाड्रो नंबर जो है उसको हमने वन मोल देखना शुरू। तो कुछ लोग का डाउट होगा कि ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है ना। तो हमने कार्बन 12 को एवरेज, मतलब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले लिया, और सारी मोल कंसेप्ट की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हम निकालते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बात क्लियर कर ली कि एवोगाड्रो नंबर आई कहाँ से, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हम एटम काउंट करते ही कर ही नहीं सकते, और अगर हम एटम काउंट करते रहे तो इस जन्म में तो होंगे नहीं, और अगले जन्म पता नहीं किसका मिले, ठीक है ना। जब काउंटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं, तो हम चलते हैं मोल कंसेप्ट में। तो मोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोल इज ए क्वांटिटी विच कंटेन 6.02 × 10⁻²³ ठीक है ना, जिसमें भी इतने मॉलिक्यूल होंगे उसको मोल कहते। अब हम चलते हैं, तो मोल निकालने के कई सारे मेथड है, और फर्स्ट मेथड हम कौन सा लिख रहे हैं, वैन मास गिवन। क्या गिवन हो हमारे पास, मास गिवन। जब मास गिवन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ऊपर तो मास लिख देंगे, और इसी को वेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मास और वेट अलग अलग होता है, क्योंकि वेट में जी लगता है और मास में नहीं लगता, ठीक है ना। और नीचे रख देंगे उसका क्या, मोलर मास और एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक वेट। ओके, कोई डाउट। अब दूसरी कंडीशन, व्हेन वॉल्यूम गिवन, जब वॉल्यूम गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किसमें, लीटर। अगर हम लीटर में लेंगे तो नीचे 22.4 लीटर है, ठीक है ना। ये कहां से आया, ये फिक्स एक लाइन है कि कोई भी वन मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ किस पर लगेगा, ये सिर्फ गैस पर। अब हमारा तीसरा तरीका आया, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे लें, तब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे गिवन पार्टिकल और नीचे लिख देंगे 6.02 × 10³, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं मोल्स निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट है और आपको आने ही चाहिए। अब हम इनको यूज कैसे करते हैं, फिर से बताता हूं, यूनिटरी मेथड से मोल कंसेप्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले तो हमारे प्रॉब्लम का लेवल 40% ही रह जाता है, जो पहले 100%। तो बच्चों मैं इन तीनों को फॉर्मूले में समराइज करके आपको बताता हूं, और तीनों के फॉर्मूले देखना, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम, समझ आ रहा है, यस सर। डब्ल्यू मास है, एम मोलर मास, इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, लीटर में है, और डिवाइडेड बाय 22.4। तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल
डिवाइडेड बाय 6.020। अब इसमें तीन लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट लेवल का आता है सिंगल फॉर्मूला यूज करना, और सेकंड लेवल होता है जिसमें हम एक फॉर्मूले से दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, और तीसरा जो सबसे डिफिकल्ट होता है वो होता है इसका अप्लाइड कर। तो हम सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे जो हमें आसानी से सिखा। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखना, 1 ग्राम एटम, अगर कहीं पे 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है तो ये 1 मोल के इक्वल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है तो कितना होगा, 1 मोल। अब देखना 1 ग्राम ऑफ एटम लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम ही होगा। तो सिर्फ ये ऑफ ने क्या कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, ऑफ ने सारा मतलब ही चेंज कर। ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तभी भी कितना मोल होगा, 1 मोल। और 1 ग्राम ऑफ लगा हो तो फिर 1 ग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ज्यादातर बच्चे इसको क्लियर नहीं करते, ठीक है ना। तो ऑफ पर स्पेसिफिक ध्यान दे, अगर ग्राम और एटम के बीच में ऑफ नहीं लगा है तो मोल होगा, और ऑफ लगा हुआ है तो 1 ग्राम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे सारे बच्चे सीख सके, क्योंकि कुछ बच्चे होशियार होते हैं और कुछ और ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है ना, और कुछ उनसे भी ज्यादा होशियार। तो हमें तीनों को लेकर चलना है, इसलिए कुछ इजी प्रॉब्लम हम कर, ओके। तो इजी प्रॉब्लम में फर्स्ट, तो पहले हम वेट से निकालेंगे, फिर वॉल्यूम से निकालेंगे, फिर पार्टिकल, और हर एक की 3-3 प्रॉब्लम करेंगे। कैलकुलेट मोल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल। नंबर 1 ग्राम एटम ऑफ आयरन, कोई बता सकता है कितने मोल होंगे, 1 मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोल। दूसरा, 1 ग्राम ऑफ, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ आयरन एटम अब कितना हो, क्योंकि अब 1 ग्राम वेट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम W/m का यूज करेंगे। W 1/1 ग्राम है और आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, ओके। तो 1 को 56 से डिवाइड कर दिया तो कोई बता सकता है क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.017 मोल है। और थर्ड हम देखते हैं, ठीक है ना, 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स हो। तो आप देखना बच्चा क्या कहेगा, मोल कंसेप्ट हार्ड नहीं, बच्चे को ग्लूकोज का फॉर्मूला ही याद नहीं, इसलिए मोल कंसेप्ट हार्ड लगता है। मोल कंसेप्ट बहुत ही इजी है, हमको सिर्फ यहाँ पे ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पढ़ ले, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पढ़ ले और आगे यूज करें। पर इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, वो यहीं पे एप्लीकेशन कराना शुरू कर देते हैं जिससे बच्चे को लगे कि मैं IIT पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और बच्चे को जब हार्ड दिखता है तो सोचता है नहीं, IIT तो बहुत हार्ड। तो ग्लूकोज का मोलर मास कोई बता सकता है, 180। वेरी गुड, तो 180 डिवाइडेड बाय 180
फिजिकल टू वन, ठीक है ना। अब देखो इसकी हार्डनेस कैसे होती है, 3.42 ग्राम सुक्रोज में कितने मोल होंगे, 3.42 ग्राम सुक्रोज में कितने मोल्स होंगे, 12 तो सबसे पहले हमें सुक्रोज का मोलर मास पता होना चाहिए, किसी को पता है क्या, किसी को सुक्रोज का मोलर मास पता है क्या? नो सर। ठीक है ना, अब देखो हम तो क्या कहेंगे यार मोल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जबकि 342 ग्राम, अब देखो इसने बिल्कुल सही निकाला है, तो 3.42 और डिवाइडेड बाय 342, ठीक है ना, 0.01 शायद आ जाओ। अब सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है C12H22O11, ठीक है ना। तो अब जिसको सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं, सॉरी सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं आता, वो बच्चा क्या कहेगा, यार मोल कंसेप्ट तो बहुत हार्ड है, मेरे से तो नहीं निकल रहा, जबकि उसकी प्रॉब्लम का फोकस कुछ और है, उसकी प्रॉब्लम का फोकस ये है कि उसको मोलर मास नहीं आ। तो हमने 4 न्यूमेरिकल देखे जिनमें हमने ग्राम की हेल्प से या वेट की हेल्प से मोल निकाले। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिसमें हम वॉल्यूम की हेल्प से मोल निकाले, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं मोल, और फर्स्ट है हमारा क्या, 2.24 लीटर CO2। तो आप क्योंकि डेटा हमें वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करें, और ये लीटर में ही गिवन है, ओके। और ये भी किसमें ही रखना पड़ेगा, लीटर। तो देखो हमने 2.24 ऊपर रख दिया, 22.4 नीचे रख दिया, तो बताओ डिवीजन कितना है, 0.01। तो इसका आ गया 0.01। अब देखना डिफिकल्ट लेवल स्टार्ट, ओके। अब हमारे पास इतने ml है, 22400 ml N2 है, तो आप क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लीटर में था, और यहाँ डेटा किसमें गिवन है, ml। तो अब हमको या तो कन्वर्जन करना आना चाहिए, तो वॉल्यूम का कन्वर्जन हम एक बार मोल निकाल देते हैं, तो लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये हो जाएगा 22400 डिवाइडेड बाय 22400, और ये कितना हो जाएगा, वन मोल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखना थर्ड कंसेप्ट, 1 डेसीमीटर क्यूब O2 है, 1 डेसीमीटर क्यूब O2 में मोल कितने हो, तो अब हमको 1 डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना। तो मैं फिर से आपको कहता हूँ मोल कंसेप्ट बहुत आसान है, पर टीचर आपको उजूल फुजूल उसमें फंसा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है ना। तो अब कितना आसान हो गया, क्योंकि हमको डेसीमीटर क्यूब नहीं आता था, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है। तो 1/22.4 लीटर। आप देखना ध्यान से,
ठीक है ना, और आपके लिए क्वेश्चन, वन मोल H2O का वॉल्यूम कितना हो, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ, वन मोल H2O का वॉल्यूम कितना हो? 22.4. तो एक बच्चे ने आंसर बताया 22.4. देखो बच्चों क्या ये आंसर सही है? Yes, sir. है? पक्का लॉक कर दे, लॉक कर दे बच्चों, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। अब कोई दूसरा आंसर बताएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन, कोई बच्चा दूसरा आंसर कैलकुलेट करके बता सकता है कि वन मोल H2O का वॉल्यूम कितना हो? सर H2O को वेपर फॉर्म में लेंगे या लिक्विड फॉर्म में? जब ये रूम टेम्परेचर पर 0.08, तो ये लिक्विड में हो गया, तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अब कुछ बच्चों ने बिना सोचे समझे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। जब हमने फॉर्मूला पढ़ाया था तो वहाँ लिखा था कि ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पे अप्लाइड होगा? गैस और वेपर्स में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर H2O लिक्विड होता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। और लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम इससे निकालते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम या डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो हमको निकालना है क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। H2O का मोलर मास 18 ग्राम होता है। कोई वाटर की डेंसिटी बता सकता है क्या हमको? कोई बता सकता है? लो चलो मैं बता, 1.99 अप्रोक्स 1 होती, ठीक है ना। पर अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। डिफिकल्टी लेवल यह है कि किस में होती है, यूनिट क्या है, केजी में, ग्राम में, किस में होगी? केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, लीटर्स में।